थाना लोनी पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को निठोरा रोड अंडरपास पर चेकिंग के दौरान रोका तो मोटरसाइकिल सवार के ना रुकने पर और अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बार बार मुड़ मुड़ कर देखे जाने पर पुलिस ने रोका तो वो फायर करते हुए भागने लगा, जिसके बाद थाना लोनी पुलिस टीम के द्वारा अपने साहस का परिचय देते हुए बदमाश की घेराबंदी की गई। बदमाश के द्वारा पुलिस को लक्ष्य करके जान से मारने की नियत से फायर करने लगा। पुलिस के द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम कमल उर्फ कुणाल बताया है। आरोपी बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल चोरी की, एक तमंचा, 315 बोर, दो कारतूस, खोखा और एक जिंदा बरामद किया गया है। आरोपी पर विभिन्न थानों में मुकदमा दर्ज है। किस तरह का अपराधी था और क्या कैसे बरामद हुआ है? यहाँ थाना लोनी के अंतर्गत बंथला अंडरपास पे कस्बा चौकी इंचार्ज के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। बंथला चौकी इंचार्ज जिनकी संयुक्त टीम थी, उसी चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक सवार दिखाई दिया, जिसकी पुलिस को देखते ही बाइक मोड़ के भागने का प्रयास किया। मुठभेड़ हुआ, उसने पुलिस को लक्ष्य करके गोली चलाई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया जिसमें कि वो घायल हुआ बदमाश। प्रारंभिक जानकारी उससे जो मिली, उसने अपना नाम कमल और कुणाल बताया है और वो प्रताप नगर दिल्ली का रहने वाला है। नंद नगर का 1.5 दर्जन से अधिक उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे लूट आदि के हैं। उसके पास से एक 315 बोर तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। मोटरसाइकिल का पता किया जा रहा है, यह वैध है या अवैध, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।